फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे लखनऊ की सोनिया के पहले करवा चौथ में उसके साथ घटी एक दिल दहलाने और रोंगटे खड़े करने वाली घटना, कैसे उसके पति की लंबी उम्र के लिए रखा गया उसका व्रत बन गया उसी के पति के लिए काल। देखिए कैसे काले जादू से बिछाई गई एक बिसात में सोनिया और उसका पति रुचिर बुरी तरह से उलझ कर रह गए। क्या सोनिया मौत के इस खेल में उन अदृश्य शक्तियों को मात देकर अपने पति की जान बचा पाएगी? करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसे हमारे देश भर की औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। लेकिन क्या हो अगर वही व्रत आपके पति के जीवन के लिए अभिशाप बन जाए? आजमगढ़ की ये घटना पिछले करवा चौथ की है जो मेरी सहेली सोनिया के साथ घटी थी। जब सोनिया अपनी पहली करवा चौथ के लिए अपने पति रुचिर के साथ अपने मम्मी डैडी के घर गई थी, हर सुहागन की तरह सोनिया भी बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली करवा चौथ उसकी जिंदगी की आखिरी करवा चौथ भी हो सकती है। लाओ यहाँ रख देते। खुश हो बेटा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी बेटा, आप कैसे हो? पापा दम फिट हाँ? खुश हो बेटा। 6 महीने हो गए शादी को, अब जाके आई हो करवा चौथ के बहाने? लखनऊ से आजमगढ़ इतना दूर भी तो नहीं है ना? मम्मी जी मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके बेटे की है। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हमेशा फ्री रहती हूँ, घर पे रहती हूँ, लेकिन आपका लड़का इतना बिजी है, मानो पीएम से ज्यादा बिजी है। ओहो, व्हाट अ सरप्राइज। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आई लव यू, गुड टू सी यू यार। सो गुड टू सी यू। कैसी हो तुम? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा। कहीं मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो तुम? पर पहचान नहीं पाओगी। अरे पहचानेंगी कैसे, हमारी शादी में गायब थी मोहतरमा। By the way, this is Sonia, my wife, और ये नम्रता, मेरे बचपन। बचपन का प्यार। बेटा बुरा मत मानना, इसकी मजाक करने की आदत है। सोनिया आंटी सही कह रही है, मुझे ना बचपन से ही मजाक की आदत है, मैं कभी सीरियस हो ही नहीं सकती हूँ। वैसे मैं और रुचित ना, we are best friend forever, BFF, very nice। बे चलो भी, इतनी दूर से आए हैं वो, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। फिर भी तुम्हें शादी में आना चाहिए था। अरे सोनिया उस वक्त नम्रता का कोई बॉयफ्रेंड था, उसकी किसी और से शादी हो रही थी, इसलिए मैडम डिप्रेशन में थी। छोड़ो ना ये सब बातें, सोनिया तुम बताओ, ये तो तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, तो तुमने सारी तैयारी कर ली? तैयारी? शॉपिंग स्टार्ट भी नहीं की है मैंने। ओहो, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना, मुझे भी करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। एक्सक्यूज मी, करवा चौथ की शॉपिंग तुम्हें भी करनी है? किसके लिए? अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अब उसकी शादी हो गई है, पर मैं उसका पीछा इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? सेम ओल्ड नम्रता। सोनिया तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग ले चलती हूं। ओके? हां आंटी मैं आई, सी यू गाइस, हां बाय। लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या लेना है? पूजा की थाली, सिंदूर, चूड़ा, हाँ। मिठाई ये वाली, हाँ इसमें है, हाँ, ना हाँ। ये दोनों थाली दे दीजिए। हाँ, ये दे। नम्रता छलनी रह गई। ये लाल छलनी। लाल क्यों? नए शादीशुदा जोड़ों के लिए लाल छलनी सुहाग की निशानी होती है, ये लीजिए। कितना ब्यूटीफुल भी है, देखो नाइस ना, ले ले। ये सब पैक कर दीजिए। रुचिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूँ स्वीट हार्ट, अकेले घर पे बैठ बैठ के तुम्हें बहुत याद कर रहा था। आई वाज रियली मिसिंग यू, इसलिए आ गया। पीछा कर रहा था। चले चल।
रुजा। क्या हो गया तुम्हें? रुजा, ठीक हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो इतने जोर से? वो चन्नी सोनिया कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देखो कोई नहीं है यहाँ पे। तुम नींद में चल रही होगी और तुमने कोई भयानक सा सपना देखा होगा। बस नहीं, मैंने सपना नहीं देखा, वो सच्ची में। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कोई नहीं है। इससे पहले कि सूरज उगे कुछ खा लो और मेरे लिए भी कुछ ले आना, मेरा भी तो व्रत है। हाँ पागल हो गए हो, तुम क्यों रखोगे व्रत? मेरा तो पर्पस है, तुम्हारा क्या पर्पस है? जब हमने साथ फेरे लिए थे तो मैंने वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आते हैं। ये लो। लाइए। सामान सब रख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया? माँ मेरे ख्याल से सब हो गया है। कमाल है, उसका तो पहली बार है और तुम इतनी सालों से कर रही है उसी से उल्टा सवाल पूछ रही हो। वाह कमाल है। मेरा ना गला बहुत सूख रहा है, एक बार ना पानी पी लूं फिर इसके बाद तुमसे फुर्सत में झगड़ा करूंगी। देखो ना बेटा चांद निकला कि नहीं। नहीं माँ अभी तो नहीं निकला। बहुत प्यास लग रही है। तो तुझे किसने कहा था व्रत रखने के लिए? और वैसे भी ना ये व्रत औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तेरे व्रत रखने से ना सोनिया की उम्र नहीं बढ़ने वाली। माँ 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 यहाँ पे किसी की लंबी उम्र की बात नहीं हो रही है। जब दो इंसान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना तो उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। बस सच कहूँ तो ये किसी के लिए व्रत रख के उसकी उम्र लंबी हो जाती है बढ़ जाती है, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। अगर किसी को मरना है तो आज मरेगा, अगर मेरे नसीब में आज मरना है तो मैं आज मरूं। सच कह रहा हूँ। चुप हो जाओ। अरे तुम लोग यहाँ पर लड़ रहे हो? चांद निकल आया है। चांद निकल आया? सर चलो भाई भूख लग रही है। सोनिया तुम्हारी छन्नी? मैं कह रही थी ना कुछ तो लग रहा, भूल रहे हम लोग। सॉरी 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 माँ, थैंक यू। थैंक यू। सोनिया क्या हुआ? सोनिया क्या हुआ? क्या हुआ सोनिया? तो बस शुरुआत है सोनिया, तू देखती जा ये लाल छलनी तेरे सुहाग को कैसे मिटाती है। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी रुचिर, तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। भले तुम्हारी उस बीवी ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, पर तुम्हें तुम्हें पता है मैंने क्या किया है?
मैंने तुम्हारी वो बची कुची जिंदगी है ना, उससे खत्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये व्रत सोनिया की जिंदगी का पहला और आखिरी करवा चौथ का व्रत होगा। तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूं। सोनिया, 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 कहाँ चली गई? Sonia! Sonia? Sonia? Sonia, तुम क्या कर रही हो? हम बताते हैं। तुम क्या कर रही है यार? सोनिया खाना खा रहे हैं तेरी लंबी उम्र के लिए। सोनिया तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? सोनिया चलो व्रत तोड़ते हैं, रात के 2 बज गए। क्या 2 बज गए? क्या हुआ? सुनिए क्या हुआ तुम्हें? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि इस घर में अजीब से लोग, भूत जैसे लोग चल रहे हैं और मैं छत पे हूँ। मैं खाना खा रही हूँ बैठ के, और मैंने तुम्हें छत पे धक्का मार दिया और तुम नीचे गिर गए। अरे मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुमने तुमने देखो तुमने कोई भयानक सा सपना देखा होगा और कुछ नहीं है। चलो व्रत खोल लेते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से और मुझे भी जोरों की भूख लग रही है, खा ले। कुछ दिन रुक के जाती थी तो अच्छा था। रुकना तो हम भी चाहते थे लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिल रही है, जाना पड़ेगा पिताजी। और आप चिंता मत कीजिए, सोनिया का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। अच्छा चलते हैं। ख्याल रखिएगा। अच्छा सुनो, तुमने वो लाल छलनी रख ली क्या? लाल छलनी करवा चौथ वाली? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रहे हो लाल छलनी के बारे में? क्यों, करवा चौथ नहीं करना अगले साल? अरे बाबा मैंने इसे सुना है, जिस छलने से हम पहली बार करवा चौथ करते हैं ना, उसी छलने को बार बार यूज करना चाहिए, इससे पति की उम्र लंबी होती है। अच्छा इसलिए? ओके लेकिन मैं तो लाल छलनी रखना भूल गई। पर मैं नहीं भूली, ये रही लाल छलनी। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, तुमने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा था ना, तोड़ा?
मैंने उसकी लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए व्रत रखा था, इसलिए व्रत पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, अब उसके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? ये सब रहने दो। सोनिया, अरे बहुत लंबा सफर है, रात होने से पहले घर पहुंचना है। चलने का इरादा भी है या नहीं? हाँ हाँ चलना है। ये इतनी उतावले हो रहे हो। चलो यार बाय। यू टेक केयर। यू टू। बाय गाइस। बाय बाय। प्लीज कम सून। वैसे तुम और नम्रता आज इतनी बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसका दोस्त कम और तुम उसकी सहेली ज्यादा हो। और तुम्हें मिले हुए एक ही दिन हुआ है और एक ही दिन में इतना घुल मिल गई, भाई वाह। रुचिर मुझे एक बात बताओ, नम्रता ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें कहा ना, वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली, शायद इसीलिए। क्या तुम उस लड़के को जानते हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ, सब इस छलनी की वजह से हो रहा है, सब कुछ इसकी वजह से। तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सोनिया। अरे भाई गलती मेरी है, मैंने टायर का प्रेशर ही चेक नहीं किया था। हवा चेक कर लेता तो अभी ये टायर नहीं फटता और ये एक्सीडेंट नहीं होता। अब घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। मैंने स्टेपनी भी नहीं रखी है गाड़ी में। मैं काम करता हूँ, तुम यहाँ ही मेरा इंतजार करो, मैं कोई टायर वाले को ढूंढता हूँ। ओके। या? Come on. Oh God. घर जल्दी जाने के चक्कर में शॉर्टकट ले लिया और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है और GPS के बिना हम रास्ता भटक रहे हैं। GPS पे ब्लेम मत डालो, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। Oh God, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? बंद कैसे पड़ गई? बस यही बाकी था। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सुबह से मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी बात पर लड़ रही हो, झगड़ा कर रही हो, बहस कर रही हो। What's wrong with you? What's wrong with me? GPS की जगह तुमने अपना रूट फॉलो करके जंगल में ले आए हो इतनी रात को, और मुझसे पूछो what's wrong with me? अरे तो जल्दी घर पहुंचना था ना। अब पहुंच गए जल्दी? चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे? I'll just go and check. सोनिया तुम ठीक तो हो? रुचिर तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने हैंडब्रेक क्यों नीचे कर दिया था? मैंने कुछ नहीं किया, वो तीन लोग थे जो गाड़ी आके चला रहे थे। सोनिया क्या हो गया तुम्हें? कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ। कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो तुम। आई एम टेलिंग यू सोनिया, यू नीड हेल्प। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
अरे जब देखो मूड स्विंग्स हो रहे हैं तुम्हें, कभी कुछ कह रही हो, कभी कुछ बोल रही हो, कभी कुछ कर रही हो। ओके ओके, इवन आई एम सॉरी, आई गॉट हाइपर। यू ओके? ओके, इट्स ओके। रुचिर, प्लीज प्लीज तुम इस टूर पे मत जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सोनिया, इस टूर की वजह से ही तो हम मम्मी पापा के घर कुछ दिन और नहीं रुक पाए। I know, but... Please try and understand. Baby, it's very important. बहुत जरूरी है। और सुनो, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। Don't worry. ठीक है? अपना ख्याल रखना। I'll be back soon. Okay. Take care. हेलो सोनिया, हाय, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? उम्मीद करती है कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है ना? नम्रता, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है ना सोनिया, कल रात को मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा रुचिर का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट ही मर गया। था तो मैं बताया, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब क्यों हो रहा है? बढ़िया, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। अच्छा सोनिया, तुम रुचिर का ख्याल रखना, मैं जरा बाद में बात करती हूँ। ओके, सोनिया बोलो। हेलो रुचिर, रुचिर तुम्हें पता भी, नम्रता का फोन आया था, उसने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा है। प्लीज 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 इस टूर पे मत जाओ प्लीज। सोनिया प्लीज, मुझे लगा कि तुमने कोई जरूरी बात करने के लिए मुझे फोन किया है। मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाय। रुचिर, बाबा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। उस लाल छल्ली ने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उस लाल छन्नी में विनाशकारी शक्तियों का आह्वान हो चुका है। उस छन्नी की वजह से जिन लोगों की जाने गई है, उनकी अतृप्त आत्माएं इससे जुड़ चुकी है। उससे ये छन्नी और भी विनाशकारी हो चुकी है। आखिर में इस छन्नी के प्रभाव से ही सोनिया के हाथों ही उसके पति की मृत्यु हो गई। बाबा, ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट।
सोनिया उठो। सोनिया क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कैसे तुम्हें पागल हो जाऊंगी? मुझे 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 आत्माएं दिख रही है, मुझे भूत दिख रहे हैं, मुझे पागल नहीं हो रहा है, मुझे पागल नहीं हो रहा। भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होता है, तुम्हारा वहम है। देखो मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जी नमस्ते, क्या मेरी गुरुजी से बात हो सकती है? ये फिलहाल तो उनसे बात करना मुश्किल है। क्या कोई जरिया है कि मैं उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ? मुझे बहुत अर्जेंट काम है। आप मुझे बता दीजिए क्या बात है, मैं उन तक सूचना पहुँचा दूंगा। जी सोनिया, सोनिया क्या ढूंढ रही हो तुम? मैं वो लाल छलनी ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब उस लाल छलनी की वजह से हो रहा है। मुझे वो लाल छलनी चाहिए। बस करो यार, बस करो सोनिया, बहुत हो गया तुम्हारा। तब से देख रहा हूँ मैं कि क्या है ये सब नॉनसेंस, पागल हो गई है तुम। मैं आ नहीं रह सकता, मैं बाहर जाके सो रहा हूँ। जो ढूंढना है ना ढूंढो तुम। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? बोलो जवाब दो। सोनिया क्या हो गया तुम्हें? रुचि, कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सब करा रही है। प्लीज प्लीज मैं नहीं कर रही हूँ। प्लीज हेल्प मी रुचि, प्लीज हेल्प मी। तुम चिंता मत करो। आशा जी को इन सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज है, वो हमारी मदद करेंगी। आशा जी, इन सब चीजों पे मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन लेकिन मुझसे मुझसे सोनिया की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम्हारी कहानी सुनकर एक बात तो पक्की है रुचिर, ये मामला काला जादू का है। सोनिया को इसीलिए भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं। काला जादू, ब्लैक मैजिक, हमारे साथ कोई क्यों करेगा? आशा जी इसका कोई उपाय है, कोई सलूशन? यस, हमें यहाँ पर एक विधि करनी होगी। ठीक है, जैसा आप सही समझे। सब ठीक हो जाएगा। देखो डरना मत, जो आत्माएं तुम लोगों को सता रही हैं, वो किसी भी वक्त यहां आ जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें यहां बुला रही हूं। इसलिए जब तक तुम दोनों इन मोमबत्तियों के घेरे के अंदर रहोगे, तब तक वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। Thank you.
लिए आए हो तुम? सुनिया, तू बुलाया मुझे यहाँ, कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। आशा जी, ये सोनिया को क्या हो रहा है? इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? डरो मत रुचिर, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम इन दोनों को क्यों परेशान कर रहे हो? इन दोनों पे काला जादू हुआ है। जब तक ये अपने पति को मार नहीं देगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम सबको किसने भेजा है? नाम बताओ मुझे, कौन हो तुम? बोलो, तुमको किसने भेजा है? सारी आत्माएं यहां वापस आ जाए, सारी आत्माएं यहां वापस आ जाए। जी, ये सब क्या हो रहा है? किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा सबको, जान भी कर दूंगा। ये शक्तियां बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं किया। इतने सारे सवाल हैं, जो अधूरे रह गए। मैं एक बार गुरुजी से बात करने की कोशिश करती हूँ। जी नमस्ते, क्या गुरुजी हरिद्वार से वापस आ गए हैं? मैं हैरान हूँ, रुचिर अभी तक जिंदा कैसे है? क्या सोनिया बेटे, तुम्हारे ऊपर सदियों पुरानी तांत्रिक विद्या का प्रयोग हुआ है, जिसके जरिए कैद की गई आत्माओं को तुम्हारे शरीर में भेजा गया था कब्जा करने के लिए, और इस सारे कार्य में प्रयोग हुआ है एक छलनी का, और उनका असली मकसद है रुचिर की मृत्यु। गुरुजी, इसका कोई उपाय तो होगा, कोई समाधान? बस एक ही समाधान है। अगर तुम किसी भी तरीके से ये पता लगा लो कि ये सारा कार्य काला जादू किस आदमी ने किया है, तो हम उसी छलनी के जरिए उन मृत लोगों की आत्माओं को उसी के पास भेज सकते हैं। और इस कार्य के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं। जी। रुचिर बेटा, बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये आत्माएं रात में ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए सारा कार्य अंधेरा होने से पहले ही पूर्ण हो जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी। सफलता प्राप्त करो। जल्दी चलो, प्लीज जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। सूरज डूबने वाला है, चिंता मत करो। हमें ये पता लगाना होगा कि इस काले जादू के पीछे कौन है। मैं आप सबको एक चेतावनी देती हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ, कोई भी इस घेरे को पार नहीं करेगा। मैं विधि शुरू करती हूँ। सोनिया, सोनिया तुम्हें क्या हो रहा है? आशा जी, सोनिया को क्या हो रहा है? मंत्रों का असर शुरू हो रहा है। दिस सोनिया माय वाइफ, और ये नम्रता।
मेरे बचपन बचपन का प्यार ये लाल छन्नी नम्रता चल थैंक यू तुमने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा था ना तोड़ा मैंने उसकी लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए व्रत रखा था सोनिया तुम्हारी ट्रिप कैसी रही उम्मीद करती है कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है ना तुम्हारे ऊपर सदियों पुरानी तांत्रिक विद्या का प्रयोग हुआ है और इस सारे कार्य में प्रयोग हुआ है एक छलनी का मुझे पता चल गया ये सब किसने किया किसने तुम्हारी दोस्त नम्रता ने किया ये सब नम्रता लेकिन नम्रता ऐसा क्यों करेगी तुम वही लड़के हो जिससे नम्रता प्यार करती थी और शायद उसे लगा कि तुम भी उससे प्यार करते हो फिर तुम्हारी शादी मुझसे हो गई और उसका दिल टूट गया इसलिए ये सब किया है उसने बदला लेने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि नम्रता मेरे साथ ऐसा करेगी हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है हमें जल्दी से जल्दी ये विधि पूरी करनी होगी जी तो शुरुआत है नम्रता तुमने जो गलत कर्म किए ना उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा अब भुगतो रुचिर ये चलनी इसके चेहरे के सामने रखो जी नहीं 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 दूर हो जा नहीं 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 रुचि नहीं नहीं रुचि दूर हो जा मेरे सामने रुचि नहीं दूर हो जा सोनिया मैंने तुम्हें मना किया था इस घेरे से बाहर निकलने को रुचि मेरे पास मत आना दूर रहो हटा इसे 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 हटा रुचि रुचि क्या हो गया तुम्हें ये क्या कर रही हो सोनिया सोनिया मैं तुझे मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं आप लोग यहीं रुकिए Oh!
तुम ठीक हो? पापा, माँ, पापा, आप ठीक हैं? उठिए पापा। माँ, आप ठीक हो? नम्रता को आखिर उसके किए की सजा मिल ही गई। प्यार की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसी के बलबूते पर सोनिया अपने सुहाग को बचा पाई।